लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो क्या क्या होता है, उसके बाद फिर हमने देखा कि डिस्चार्ज क्या होता है, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम कुछ कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर वन, टाइप वन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला यहां पे कि ए पाइप थ्रू विच वॉटर इज फ्लोइंग इज हैविंग डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एट सेक्शन वन एंड सेक्शन टू। ठीक है, तो वन में यहां पे देखो इसने क्या बोला है कि ए वॉटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप हैविंग डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, मतलब हमारा जो पाइप रहेगा वो कैसा रहेगा, वो टेपर पाइप रहेगा। कैसा रहेगा, पाइप टेपर रहेगा। ठीक है, अब लेट से ये हमारा जो एंट्री पॉइंट है पाइप का, यहां से लेट से फ्लूइड मेरा एंटर हो रहा है और यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो ये जो एंट्री पॉइंट है या फिर स्टार्ट पॉइंट जो है पाइप का, मैं इसको बोल रहा हूं सेक्शन वन, और जहां से वॉटर एग्जिट होगा बाहर निकलेगा उसको मैं बोल रहा हूं पॉइंट टू या फिर सेक्शन टू। ठीक है, सेक्शन वन में डायमीटर कितना दिया है, डी वन, वन मतलब सेक्शन वन का डायमीटर कितना दिया, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर मतलब ये कितना हो गया 0.4 मीटर। याद रखो हम हमेशा जो भी डायमीटर हो, लेंथ हो, एरिया किस में रखेंगे, मीटर में रखने वाले। ठीक है, सिमिलरली ये डी टू का एरिया कितना दिया यहां पे, उसने डायमीटर कितना दिया 20 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो गया 0.2 मीटर हो गया। राइट ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ वॉटर एट सेक्शन वन मतलब वी वन, मतलब जिस वेलोसिटी से अंदर जा रहा है वी वन, कितना है वो 5 मीटर पर सेकेंड दिया। फाइंड डिस्चार्ज, तो निकालना क्या हमको, हमको डिस्चार्ज निकालने बोला यहां पे, क्या निकालने बोला है, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब क्यू। ठीक है राइट, अब शुरू कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या दिया है, डी वन दिया है, वी वन दिया है, डी टू दिया है, वी टू हमको नहीं मालूम। ठीक है राइट, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हमको कि फाइंड द डिस्चार्ज एंड लेट से हम एक और चीज ऐड करते हैं, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी वी टू, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी वी टू, वी टू का वेलोसिटी कितना है वो भी निकालने बोला है, लेट्स से उसको हमने थोड़ा सा एडिशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, पूछा नहीं है शायद, मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूं मैं, ए पाइप थ्रू विच वॉटर इज फ्लोइंग इज हैविंग डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एट सेक्शन वन एंड टू रेस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी एट ऑफ वॉटर एट सेक्शन वन इज 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्चार्ज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एडिशनल डाल दिया कि ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी वी टू। ठीक है, डिस्चार्ज जो है वो दो चीज पे डिपेंड है, एक तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरा क्या वेलोसिटी। डिस्चार्ज दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो किस पे क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरा क्या है हमारा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब शुरू कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करना है, हमें डायमीटर दिया राइट, दिया क्या डी वन दिया, डी वन कितना है 0.4 मीटर। इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, ए वन निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, एरिया क्या रहेगा उसका पाई बाय 4, 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा मुझे वैल्यू 0.126 मीटर स्क्वायर इसका वैल्यू आएगा। राइट, सिमिलरली डी टू कितना दिया, डी टू 0.2 मीटर दिया, इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे, कितना इसका एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी कितना है 0.2, तो हम इसको कैलकुलेटर में डाल दो कितना आएगा 0.0314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या रहता है कि एरिया निकाल लो, ए वन ए टू एरिया निकाल। नाउ क्या लिखेंगे यहां पे, बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है इक्वेशन कि भाई डिस्चार्ज जो है दैट इज क्यू वन इज इक्वल टू क्यू, ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है। राइट, हमने देखा था लास्ट टाइम कि जितना भी सेक्शन ले लो
हर सेक्शन में हमारा डिस्चार्ज का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्या रहेगा डिस्चार्ज का वैल्यू, सेम रहेगा. देयरफॉर क्यू वन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू. ठीक है, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू. सो देयरफॉर ए वन का वैल्यू कितना है, 0.126 इंटू वी वन. वी वन कितना दिया, 5 इज इक्वल टू. ए टू कितना है हमारे पास, 0.0314 इंटू वी टू. ठीक है, सो देयरफॉर वी टू इज इक्वल टू क्या होगा, वी टू इज इक्वल टू 0.126 इंटू 5 डिवाइड बाय 0.0314. अगर हम इसे कैलकुलेट करें राइट, तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, वी टू, वी टू मुझे मिल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड. कितना मुझे मिल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड. मुझे क्या मिलेगा, वी टू मिलेगा राइट. तो हम लोगों ने वी टू निकाल दिया. अच्छा, अब सवाल ये होता है कि डिस्चार्ज क्या रहेगा, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कंटिन्यूटी क्वेश्चन क्या कहते हैं कि डिस्चार्ज एट क्यू वन इज इक्वल टू डिस्चार्ज एट क्यू टू. तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या रहेगा, क्यू वन का वैल्यू निकाल लो या फिर क्यू टू का वैल्यू निकाल लो, दोनों में से दोनों का वैल्यू सेम है राइट. तो अगर मैं क्यू वन निकाल लू तो भी वो मेरा आंसर है, अगर मैं क्यू टू निकाल लू तो भी वो मेरा आंसर है. ठीक है, फिर मैं क्या बोलूंगा यहां पे, कि देयरफॉर डिस्चार्ज इज इक्वल टू लेट्स से क्यू वन, डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्यू वन. हम क्या बोल सकते हैं, क्यू टू भी बोल सकते हैं उसको राइट. Q1 बोलो या फिर Q2 बोलो, दोनों का वैल्यू सेम होगा. कैसे मालूम पड़ा आपको ये, बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन से मालूम पड़ा. सो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू A1 V1. A1 कितना है हमारा यहाँ पे, 0.126 इंटू V1 कितना है, 5. ठीक है, अगर हम इसे कैल्सियम में डालते तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, 0.628 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ये डिस्चार्ज. ठीक है राइट, तो फाइनली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू इज इक्वल टू 0.628 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है राइट, काफी सिंपल है. देखो मैंने जानबूझ के उसको इतना लंबा कर दिया, ज्यादा स्टेप्स हो गया राइट. अगर इसमें क्या पूछा था, आपने मुझे पूछा था डिस्चार्ज कितना है, डिस्चार्ज तो मुझे यहां से मिल जाएगा. फिर ये D1 से मैं क्या निकाल रहा हूं, A1, सो A1 इनटू V1 विल गिव मी व्हाट, Q1 राइट. तो मुझे सीधा Q1 मिल गया होगा राइट. लेकिन ये एक प्रोसेस है ताकि हम समझ पाए कि क्या क्या चीज मुझे निकालना जरूरी है. ठीक है, ये काफी सिंपल 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 सा क्वेश्चन पूछते हैं इसमें राइट. तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर टू. ए 25 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप कैरीज ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो पाइप के अंदर क्या है, ऑयल है, और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं गिवन डेटा. क्या क्या डेटा दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका, ऑयल का दिया है, कितना है, 0.9. ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी. ए 25 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप कैरीज ए ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 एट ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट अनदर सेक्शन ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर. मतलब ये फिर से कैसा है, ये जो पाइप है वो कैसा पाइप है, फिर से ये पाइप हमारा कौन सा है, टेपर वाला पाइप है. ठीक है, पाइप कैसा हमारा, ये टेपर वाला पाइप. तो लेट्स से ये एट इनलेट हम उसको बोल रहे हैं 1, एट आउटलेट इसको हम बोलते हैं 2. यहां से ऑयल अंदर जा रहा है, यहां से ऑयल बाहर निकल रहा है. ठीक है, ओके. सो D1 कितना बोला है स्टार्टिंग में, 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.25 मीटर. D2 कितना है, D2 है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर. ठीक है,
और क्या क्या डिटेल्स दिए यहाँ पे देख लो। ये भी दिया है कि स्टार्टिंग में V1 कितना है। देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो जरा। ए 25 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप कैरीज ए ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 एट ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब मेरा V1 कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है। V2 नहीं मालूम कितना है, V2 कितना है नहीं मालूम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालने पड़ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एट दिस सेक्शन, एट दिस सेक्शन मतलब एट सेक्शन 2, एंड ऑल्सो द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ ऑयल। ठीक है, क्या पूछा उसने, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट इसका मतलब ही क्या है, डिस्चार्ज। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब क्या है, डिस्चार्ज निकालो। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करेंगे इसे हम लोग, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, D1 दिया है, D1 कितना है 0.25 मीटर, तो मैं यहां से क्या निकालूंगा, एरिया 1 निकालूंगा। क्या है एरिया, पाई बाय 4 D स्क्वायर। D कितना है 0.25 स्क्वायर, तो मुझे इसका एरिया कितना मिलेगा, 0.049 मीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा। सिमिलरली D2 कितना है 0.2 मीटर, सो देयरफॉर A2 कितना है पाई बाय 4 0.2 स्क्वायर। ठीक है, अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो मुझे कितना मिलेगा, 0.0314 मीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि भाई Q1 इज इक्वल टू Q2, मतलब क्या, जितना डिस्चार्ज अंदर जाएगा उतना डिस्चार्ज ही बाहर निकलेगा। देयरफॉर Q1 कितना है, Q1 इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, अब मुझे बताओ A1 कितना है, A1 0.049 इंटू V1 है 3, A2 कितना है 0.0314 इंटू V2, राइट। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो V2 मुझे कितना मिलेगा, 4.68 मीटर पर सेकेंड V2 मिल गया। ठीक है, कहां से मिला मुझे V2, कंटिन्यूटी इक्वेशन से मिला, राइट। नाउ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हमको मालूम है कि अगर मैं Q1 का वैल्यू निकालू या फिर Q2 का वैल्यू निकालू, तो डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू Q1 और Q2। डिस्चार्ज क्यू क्या है, डिस्चार्ज क्या रहेगा, आइदर इक्वल टू Q1 रहेगा या फिर Q2 रहेगा। ठीक है, तो देयरफॉर अगर मैं Q1 निकाल लेता हूं लेट्स से, और यहां पे लिखता हूं भाई Q इज इक्वल टू लेट्स से Q1, क्या आएगा फॉर्मूला, A1 V1। A1 कितना है, A1 0.049 इंटू V1 कितना है 3। ठीक है, अगर हम इसे कैल्सियम में डालें तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, मैं यहां पे लिखता हूं नीचे, दैट इज Q इज इक्वल टू 0.1477 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्या मिलेगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे जरा ध्यान से, यूनिट्स को ध्यान से देखना, क्योंकि ये मीटर क्यूब पर सेकेंड किसका यूनिट है, ये डिस्चार्ज का यूनिट है। ठीक है, तो 0.049 इंटू 3, राइट। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो यहां पे देखो एक और चीज याद रखो, इसने यहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है ऑयल का, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं है यहां पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी यूज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड है, डिस्चार्ज पर डिपेंड है, और डिस्चार्ज किस पे डिपेंड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट या फिर उसका असर एरिया और वेलोसिटी में नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखे यहां पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन पाइपलाइन ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर। तो एक पाइपलाइन है, इसका डायमीटर कितना है, इट्स अ सेक्शन वन, इसका डायमीटर है डी वन, कितना दिया यहां पे 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया 0.5 मीटर हो गया, ठीक है। सो द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन पाइपलाइन ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर इज, मतलब वेलोसिटी वी वन दिया है, कितना होगा, वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से जो भी फ्लूड एंटर करेगा उसका वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है आगे, कि यहां से फ्रॉम विच 60 mm डायमीटर पाइप ब्रांचेस आउट, यहां से एक पाइप बाहर निकल रहा है, ठीक है, और इसका डायमीटर कितना रहेगा, लेट्स से सेक्शन टू, इसका डायमीटर कितना है बोल रहा है वो 60 mm, 60 mm, तो मतलब ये कितना हो गया 0.06 मीटर हो गया, 60 mm दिया तो मतलब 60 mm दिया तो उसका ये कितना हो गया मीटर में कन्वर्शन 0.06। कैसे करते हैं हम लोग 60 mm को कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या करोगे 1000, तो कितना हो जाएगा 0.06 मीटर हो जाएगा, ठीक है। द वेलोसिटी इन द ब्रांच्ड पाइप इज, इस ब्रांच्ड पाइप में वेलोसिटी v2 कितना है 6.5 मीटर पर सेकेंड दिए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द मेन पाइप, मेन पाइप बियॉन्ड द ब्रांच, तो मतलब इस जगह पे एट सेक्शन 3, यहां पे v3 कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, क्योंकि यहां पे मेरा कितना वेलोसिटी v1 है, ठीक है। कैसे हो रहा है यहां पे, तो कुछ वाटर यहां से फ्लो हो रहा है, यहां से एंटर किया, कुछ यहां से बाहर निकल जाएगा और बचा कुछ यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको शुरू करें, ओके, यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है कि यहां पे जितना वाटर एंटर करेगा सेम वाटर यहां से और यहां से मिलके बाहर निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना वाटर Q1 डिस्चार्ज एट दिस थिंग, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब क्या है, फ्लो रेट, लिक्विड कितना फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, फ्लो रेट, ठीक है। तो इसका मतलब यह नहीं कि डिस्चार्ज मतलब हमेशा जो चीज बाहर की तरफ गिरे, डिस्चार्ज का मतलब यह नहीं कि हमेशा वाटर जो है वो पाइप के बाहर गिर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि वॉल्यूम फ्लो रेट पर सेकेंड। तो इस सेक्शन का जो डिस्चार्ज है Q1 विल बी इक्वल टू यहां का आउटलेट का जो डिस्चार्ज है Q3 प्लस यहां का आउटलेट का सेक्शन है Q2, दोनों का एडिशन होगा, क्या होगा Q2 प्लस Q3। ये Q1 कहां पर है, एंट्री में, इनलेट में, Q2 कहां पर है, आउटलेट में, Q3 कहां पर है, आउटलेट। तो ये इनलेट का जितना फ्लो रेट होगा ये कितना है, ये दिस इज योर इनलेट और ये पूरा क्या है आउटलेट। तो जितना वाटर इनलेट में एंट्री करेगा उतना ही वाटर आउटलेट से बाहर निकलेगा, ये मेन फंडा है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब मुझे क्या चाहिए यहां पे, Q1 का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, Q1 का वैल्यू निकालना है। Q1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, A1 into V1 is equal to, A1 कैसे निकालेंगे, यहां पे A1 कैसे निकालेंगे, D1 है मेरे पास, तो 5/4 into D1 का स्क्वायर into V1, ठीक है। सो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू 5/4, D1 कितना है 0.5 स्क्वायर into V1 कितना है 4, सो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू कितना रहेगा, देखो 0.5 स्क्वायर इंटू दैट इज 0.785 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मुझे Q1 मिल गया। इनलेट में कितना डिस्चार्ज हो रहा है,
Q1 कितना है वो 0.785 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या मुझे Q2 मिल सकता है? Q2 मिल सकता मुझे यहां पे? यस, Q2 मुझे मिल सकता है। कैसे मिलेगा Q2? Q2 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। ये A2 इंटू V2 क्या है? Q2 का डिस्चार्ज का फॉर्मूला है ना, क्योंकि हमको मालूम है डिस्चार्ज किस पे डिपेंड है, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी। सो देयरफॉर हमारा A2 कितना रहेगा? अगर मैं यहां पे निकाल लू A2, A2 इज व्हाट? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डी कितना है? 0.06 का स्क्वायर। तो मैं अगर यहां पे निकाल लेता हूं 0.06 का स्क्वायर इंटू 0.00282 मीटर स्क्वायर, ये है इसका एरिया A2। तो मैं यहां पे लिख दू A2 कितना है? 0.00282 इंटू V2। V2 कितना है? 6.5। तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इंटू, तो देयरफॉर Q2 मुझे क्या मिल रहा है? Q2 इज इक्वल टू 0.018 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा मुझे Q1 मिल गया, मुझे Q2 मिल गया, क्या मुझे Q3 मिल जाएगा? राइट, तो मैं यहां पर क्या लिखूं? फ्रॉम इक्वेशन 1 Q3 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये Q2 यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 कितना आ रहा है? Q1 कितना है? 0.785 माइनस Q2 कितना है? 0.018। चेक करो कितना आ रहा है, 0.75 माइनस 0.018। सो देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू 0.767 मीटर क्यूब पर सेकेंड। Q3 मिल गया, ठीक है, मुझे क्या मिल गया? Q3 मिल गया, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें Q3 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? V3 चाहिए। क्या चाहिए हमें? V3 चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, क्या हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं? दैट इज Q3 इज इक्वल टू A3 इंटू V3। और मुझे बताओ ये A3 का वैल्यू क्या रहेगा? A3, D3 कितना है यहां पे? D3 इज सेम 0.5, सो देयरफॉर A3 कितना होगा? पाई बाय 4 0.5 का स्क्वायर। सो देयरफॉर A3 कितना हो जाएगा? देखो यहां पे 0.5 स्क्वायर इंटू 3.1415 डिवाइड बाय 4 कितना है? 0.196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, A3 मुझे मिल गया। सो देयरफॉर Q3 कितना है? 0.767 इज इक्वल टू A3 0.196 इंटू V3। सो देयरफॉर V3 इज इक्वल टू 0.767 डिवाइड बाय 0.196 इज इक्वल टू कितना है? 0.767 डिवाइड बाय 0.196 कितना आ रहा है? 3.91 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर हमारा V3 कितना है वैल्यू, मेन आंसर? देयरफॉर V3 इज इक्वल टू 3.19 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये समझना है कैसे यहां पे, कि जितना फ्लूइड अंदर जाएगा सिस्टम के अंदर या पाइप के अंदर, उतना ही फ्लूइड पाइप के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज का मतलब वही है कि इनलेट में या फिर पाइप के अंदर जितना भी फ्लो रेट है, जितना भी लिक्विड अंदर जा रहा है, विल बी इक्वल टू टोटल, उतना ही लिक्विड क्या करेगा? आउटलेट के बाहर निकलेगा, सिस्टम के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे लिक्विड अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, दैट इज एट सेक्शन 1, यहां से जा रहा था सेक्शन 1, इसलिए हम लोगों ने Q1 लिया। और बाहर निकलने के लिए दो रास्ते थे, इसलिए हमने क्या किया? Q2 प्लस Q3 किया उसको। ठीक है, राइट, सिंपल सम से ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
500 mm diameter pipe conveying water branches out into two pipes of diameter 350 and 200 mm respectively. ठीक है, तो ये मेन पाइप है हमारा, मैं यहां पे बना देता हूं उसको, मेन पाइप है सेक्शन वन, ये पाइप क्या हो रहा है आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहां पे लेट्स से ये सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री। देखो यहां पे सेम चीज है जो हम लास्ट टाइम देखा हमने कि जितना लिक्विड यहां पे क्या हो रहा है, देखो लिक्विड अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और बाहर निकालने का यहां पे दो रास्ते, ठीक है, क्यू टू एंड थ्री, ठीक है। डी वन डायमीटर, डी वन कितना दिया यहां पे 500 mm, मतलब 0.5 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं मैं, ए 500 mm डायमीटर कन्वेइंग वाटर ब्रांचेस आउट इनटू टू पाइप्स ऑफ डायमीटर 350 एंड 200। तो लेट्स से ये हमारा D2 है 350, तो मतलब 0.35 मीटर, और ये D3 है हमारा 200 mm, मतलब 0.2 मीटर, ठीक है। और क्या लिखा है आगे, The velocity measured in the branched, sorry, the velocity in 500 mm pipe is, मतलब velocity at V1 is 5 meter per second. Find the discharge in the pipe. Find the discharge in the pipe. Also find the velocity in 200 mm pipe. If the velocity in 350 meter pipe is, अच्छा तो वेलोसिटी V2 कितना यहां पे दिया है 2.5 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी है, तो V3 में कितना उसका वेलोसिटी होगा वो फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो यहां पे दो चीज बोला है कि फाइंड दी क्या बोला है, फाइंड दी डिस्चार्ज इन द पाइप। तो यहां पे अगर पाइप बोला है तो इसका मतलब ये जो मेन पाइप है ना उसकी बात कर रहा है, ब्रांच्ड पाइप की बात नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या निकालना है कि Q1 कितना है मुझे वो निकालना है, उसके बाद मुझे क्या निकालना है V3 कितना है वो निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, सेम पॉइंट, यहां पे लिक्विड एंट्री करेगा, यहां से बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा, राइट, जितना अंदर जाना है उतना ही अमाउंट यहां से कुछ बाहर निकलेगा, कुछ यहां से बाहर निकलेगा, मेन फंडा हमारा, ठीक है। मुझे यहां पे D1 दिया है तो क्या मैं D1 से मैं A1 निकाल सकता हूं 5 बाई फोर 0.5 स्क्वायर, कितना आएगा ये 0.196 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली ये D2 से क्या मैं A2 निकाल सकता हूं 5 बाई फोर 0.35 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0.096 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली D3 से क्या मैं A3 निकाल सकता हूं दैट इज 5 बाय 4 0.2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा वो 0.031 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जिधर जिधर मेरे को डायमीटर मालूम है हमने क्या किया वहां का एरिया निकाल लिया, ओके लेट्स सेट। चलो क्या मैं Q1 निकाल सकता हूं, Q1 इज इक्वल टू व्हाट A1 कितना है 0.196 into V1, 5, कितना मिलेगा मुझे ये 0.98 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। याद रखना कि मैं डिस्चार्ज किसका निकाल सकता हूं जिसका मुझे एरिया मालूम है और वेलोसिटी मालूम है, इसलिए हमने क्या किया Q1 निकाल लिया। सिमिलरली मुझे अभी यहां पे एट टू A2 मालूम है V2 मालूम है, तो फिर मैं क्या निकाल सकता हूं Q2 निकाल सकता हूं, सो देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू क्या है वो A2 V2, A2 कितना है 0.096 इंटू
V2 कितना है 2.5, कितना आना चाहिए वैल्यू उसका 0.24 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मुझे Q1 मिल गया, मुझे Q2 मिल गया, ठीक है। देयरफॉर Q3 कैसा मिलेगा मुझे, Q1 माइनस Q2, ठीक है। Q3 कैसे मिलेगा मुझे Q1 माइनस Q2। Q1 कितना है 0.98 माइनस Q2 0.24, कितना मिलेगा मुझे वो 0.74 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मुझे क्या मिल गया, Q3 मिल गया, क्या मिल गया मुझे Q3 मिल गया, ठीक है। अब मुझे डिस्चार्ज का फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला है भाई, Q3 इज इक्वल टू A3 V3, देयरफॉर Q3 कितना है 0.74 इज इक्वल टू, A3 कितना है यहां पे 0.031 इंटू V3, सो देयरफॉर V3 इज इक्वल टू 0.74 डिवाइड बाय 0.031। तो मुझे कितना मिलेगा वेलोसिटी 23.87 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मेन क्या चाहिए था मुझे, V3 कितना मिला मुझे 23.87 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा क्या पूछा था, डिस्चार्ज इन पाइप, मतलब ये मेन पाइप, मतलब मुझे क्या चाहिए था Q1, तो मुझे Q1 ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे, कितना है वो 0.98 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये दो है मेरा रिक्वायर्ड आंसर, और जब भी रिक्वायर्ड आंसर मुझे मिल जाए हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये था 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। लास्ट के जो थर्ड एंड फोर्थ पे थोड़ा ध्यान देना, हो सकता है इसमें से कुछ पूछे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बर्नौलीस इक्वेशन के ऊपर देखेंगे हम लोग सम्स, और सम शुरू करने से पहले बर्नौलीस इक्वेशन का कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे, एनर्जी कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।